और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तरकाशी का। सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट दे रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा बताता सुनते हैं। जो मिल रहा है सीमेंट का ज्यादा कंक्रीट मिल रहा है उसको कटर से काट रहे हैं। धन्यवाद। मजदूर फंसे हुए उनसे बातचीत हुई आज भी आपकी? उनसे कल ही लगातार बातचीत चल रही है, सभी की अभी सभा मत से बात हुई है सभी लोगों। तो रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है सीएम धामी ने खुद टनल में पहुंचकर, और क्या अपडेट है वो भी बताया है। उनका ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब जिस तरीके से पहले मलबा आ रहा था वैसा मलबा अभी दिखाई नहीं दे रहा है, सीमेंट की रेत ही दिखाई दे रही है, जिससे ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी अब सफलता हाथ लग सकती है। क्योंकि ये भी हमारे सहयोगी जो मौजूद हैं वो भी यही बता रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार चल रहा है लेकिन अब मलबा उस तरह से नहीं आ रहा है जैसा पहले आ रहा था, जिसकी वजह से रुकावट आ रही थी। इसी वजह से तमाम एक्सपर्ट्स भी इस बात की उम्मीद अब जता रहे हैं कि बहुत जल्दी शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि 50 मीटर की जो ड्रिलिंग है वो पूरी हो चुकी है, 57 मीटर तक होना है, यानी 7 और बचा है जहां ड्रिलिंग जारी है। और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रही, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही थी, जिसके जरिए अब ये बताया जा रहा है कि आगे जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है बहुत जल्दी 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। उनसे संपर्क भी साधा जा रहा है, लगातार तमाम सुविधाएं उनको पहुंचाई जा रही हैं, सभी 41 मजदूर सुरक्षित हैं। सीएम धामी ने इस बात का भी जिक्र किया कि बाकायदा अपडेट ले रहे हैं कि जो मजदूर फंसे हैं वो कैसे हैं। सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा है सुनते हैं। तो आपको बताएं कि सीएम धामी ने भी इस बात की उम्मीद जताई कि जल्द अच्छी खबर की उम्मीद है। सीएम धामी ने कहा है जल्द अच्छी खबर की उम्मीद जताई है। उन्होंने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो जायजा लिया, मौके पर मौजूद थे, वो टनल में भी गए थे जहां तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करके आए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी देख कर आए हैं। तो उनका ये कहना है कि अब बहुत जल्दी अच्छी खबर मिल सकती है, मजदूर तक पहुंचने में 5 मीटर ही बाकी है, सीएम धामी ने ये कहा है। तो ये बड़ी खबर है, आपको बताएं सिर्फ 5 मीटर ही बाकी है मजदूर तक पहुंचने में, तो बहुत अच्छी खबर है ये। सीएम धामी ने खुद इस बात की उम्मीद जताई है कि बहुत जल्दी अब गुड न्यूज मिल सकती है, क्योंकि मजदूर तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर की दूरी ही बाकी है, और जो मलबा पहले आ रहा था वैसा मलबा भी नहीं आ रहा है, 57 मीटर पर फंसे हैं मजदूर, ये सीएम धामी ने कहा है। डर इस तरह की चीजें नहीं आती तो काम जो है वो और आसान हो जाएगा। तो अभी जैसा मुख्यमंत्री ने भी जानकारी दी कि अब जो चीजें आ रही हैं वो ज्यादा सीमेंटेड ब्लॉक्स या उस तरह की चीजें आ रही हैं जिनको ब्रेक करना इजीली होता है, इनके थ्रू आप जल्दी निकल सकते हैं, और जो रैट माइनर्स इस डिगिंग का काम कर रहे हैं वो भी इन चीजों को तोड़ने में, इन व्यवधानों को खत्म करने में सक्षम होते हैं, स्पेशली ट्रेंड भी होते हैं। तो अब कोशिश यही की जाएगी कि जल्द से जल्द जो बाकी का, आप जैसा उन्होंने कहा कि 52 मीटर तक जा चुका है पाइप, इसके बाद 2 मीटर और चला जाएगा, 54 हो जाएगा, और उसके बाद करीब आप 3 मीटर और, तो यानी 4 से 5 मीटर और उसके बाद अगर ये पूरा मलबा जो होता है सॉफ्ट होता है तो फिर पाइप जो है वो इजिली चले जाएंगे, इजिली पुश कर लिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, क्योंकि तकरीबन 57 मीटर के बाद ही कहा जा रहा है कि वो पॉइंट भी मिल जाएगा। और रेस्क्यू साइट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अधिकारी आपको नजर आएंगे जो लगातार यहाँ पर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं भास्कर खुलबे, आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, जो एक्स एडवाइजर पीएमओ हैं, एसडीआरएफ के लीडर यहाँ पर हैं, तमाम जो अधिकारी यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इस समय पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। और ठीक बगल में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से एनडीआरएफ की टुकड़ी भी जो है वो लगातार रेस्क्यू के लिए यहाँ पर तैनात है। एक बार जब पाइप पूरी तरह से पुश थ्रू हो जाता है और क्लियरेंस मिल जाता है उसके बाद भूमिका एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अहम हो जाएगी, लोगों को बाहर कैसे निकाल कर लाना है वो तमाम चीज़ें जो है इनके इनके हाथ में आ जाएंगी। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जब एक बार ये पूरा मलबे के थ्रू जो पाइप अभी जाना है 57 मीटर तक का जो ब्रेक थ्रू पॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू का काम आगे बढ़ाया जाएगा। और अब माना जा सकता है हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जिस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, वो जल्द से जल्द वो पॉइंट, वो समय आ जाएगा जब हम आपको इसी टनल से
वो तस्वीरें भी दिखा पाएंगे जहां पर ये मजदूर बीते 17 दिन से इंतजार कर रहे हैं बाहर आने का। इनके भी हौसले को सलाम देना चाहिए कि लोग एक दूसरे का मोटिवेशन जो है बढ़ाए हुए हैं। अंदर जिस तरह से जिन परिस्थितियों में रहना है उसके बावजूद इनका जज्बा जो है वो कम नहीं हुआ है। लगातार बात भी कर रहे हैं अपने घर वालों से, यहाँ पर पहुँचने वाले अधिकारियों से, ऑफिशियल से उनके अपडेट लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी इस तरह से व्यवस्था की थी कि उनका मनोबल ना गिरे और वो भी अपना मनोबल लगातार बनाए हुए हैं। तो देखिए हमारे सहयोगी अंजलि जो मौके पर मौजूद हैं उनका भी ये कहना है, सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है। सीएम धामी ने जिस बात का जिक्र किया उसे और डिटेल में बता रही थी अंजलि। बताया उन्होंने कि सीएम धामी मौके पर पहुंचे हैं और उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि बहुत जल्दी इन मजदूरों को निकाला जा सकता है, क्योंकि अब जो मलबा आ रहा है वो सीमेंटेड है और उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी और जैसे ही जो पाइप है उसे आगे बढ़ाया जाएगा उसके बाद जो ये जिम्मेदारी है वो NDRF और SDRF की हो जाएगी और वो फिर ये जिम्मेदारी संभालेंगे और उसके बाद उन मजदूरों को निकालने का काम शुरू हो जाएगा। तो बहुत जल्दी वो तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी जब वो 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिलती नजर आ रही है। सिर्फ 5 मीटर की दूरी बाकी है मजदूरों तक पहुंचने के लिए। सीएम धामी ने खुद इस बात का जिक्र किया है और उम्मीद जताई है। तो आपको बताएं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और अब बहुत जल्दी मजदूर बाहर आ जाएंगे, बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि अब जो मलबा जो दिक्कतें पैदा कर रहा था अब वैसा मलबा नहीं आ रहा है और जिसकी वजह से अब ये उम्मीद काफी बढ़ गई है कि बहुत जल्दी ये जो 5 मीटर की जो दूरी है वो भी पूरी कर ली जाएगी और 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे। तो वो तस्वीर देखने में बहुत ज्यादा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा।